So hey guys, what's up? Welcome back to another new video, guys. So this is your host Aryan and you are watching the channel named Town Hall Aryan. So guys, कैसे हो? I hope so सभी लोग सही होंगे और सही होने भी चाहिए. तो guys, मतलब कि मैंने दो बार मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, लेकिन दोनों बार भी यार वीडियो सेव नहीं हुई है. मुझे पता नहीं क्या पंगे ले रहा है ये. जब भी मैं कुछ रिकॉर्ड करने बैठूंगा, या तो वाईफाई का सिग्नल आएगा, मतलब कि नेटवर्क कनेक्शन इनएक्टिविटी, या फिर ये वीडियो रिकॉर्ड पूरा होगा नहीं. बस आधा का जो लास्ट जो का जो 20% रहता है वही रिकॉर्ड होता है भाई. मतलब कि जो मेरा जो डिवाइस है उसको जब से मैंने अपडेट किया है सेटिंग्स में जो आता है अपडेट, उसके बाद से भाई इतना बेकार हो गया ना मेरा फ़ोन भाई, क्या ही बताऊं मैं. तो ठीक है ना गाइस, तो मतलब कि मैंने बहुत अच्छा कंटेंट रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसका जो लास्ट पार्ट ही सेव हो पाया, स्टार्टिंग का पार्ट सेव नहीं हो पाया, मुझे पता नहीं क्यों. तो ठीक है, वो तो बात की बात रही, चलो अभी कुछ नहीं कर सकते. सो जैसे कि आपको मालूम ही है कि ये जो आप देख सकते हो, मतलब कि आप येलो कलर की बैकग्राउंड देख सकते हो, मतलब कि ये जो आप बोलते हो सीनरी आ चुकी है क्लैश ऑफ क्लैंस गेम में, तो कुछ ही लोग के पास जो न्यू वाले जो सीनरी है उन्हीं लोगों के पास है, और बाकी लोगों के पास जो नॉर्मल सीनरी होती है वही होती है. सो ये जो हमारा जो फ्रेंड है अब तक, तो जैसे कि देख ही सकते हो कि जो नए वाले सीनरी है ये वाला आ चुका, लेकिन इस बार हमको फ्री सीनरी देखने मिला. लेकिन जो लोग बोल रहे हैं फ्री सीनरी देखने मिल रहा है, नहीं गाइस, फ्री सीनरी नहीं है. तो बेसिकली अभी आपको मालूम है कि ऑटम का जो सीजन है चालू हो चुका है. वैसे आपको नहीं मालूम है, मुझे पता है, अच्छे से मालूम है आपको, नहीं मालूम है, लेकिन क्लैश ऑफ क्लैंस के द्वारा आपको मालूम पड़ चुका है. सो जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि 18 सितंबर को आया था मेंटेनेंस ब्रेक आया था. तो मेंटेनेंस ब्रेक क्यों आता है? कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन या तो कुछ बग फिक्स करने के लिए आया रहता है मेंटेनेंस ब्रेक. ओके, सो मेंटेनेंस ब्रेक के साथ ही साथ ये लोग 3 दिन आगे का अपडेट के बारे में ध्यान रखते थे. सो जब 3 दिन आगे, जब आप देख सकते हो, मतलब कि ये जो बैकग्राउंड आ चुका है. ऑटम में क्या होता है, बेसिकली जो पत्तियां होती है वो झड़ जाती है, पत्तियां पेड़ों की, और न्यू पत्तियां 3 महीने वापस चालू हो जाते हैं. तो बेसिकली ये जो ऑटम का जो महीना होता है, या फिर जो सीज़न होता है, ऑटम का जो सीज़न होता है वो शुरू होता है 22 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर तक. ओके, तो इसी तारीख के लिए रहता है. और क्लैश ऑफ क्लैंस में खास इन 7 सालों में पहली बार ऐसा कुछ देखने मिल रहा है. सो आप ऑटम बोलो, जो कुछ बोलना है वो बोलो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए मैं बोलना क्या चाहता हूँ. तो ठीक है यार, मतलब कि अपना जो रिसेंट वीडियो था वो इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर कोई दिक्कत वाली लेने वाली बात नहीं है यार. मतलब कि उसमें बहुत अच्छा कंटेंट बनाया था पर नहीं हुआ. तो ठीक है, हम आ चुके हैं टाइटन लीग पे, और आपको तो पता ही है टाइटन लीग पे कितनी अच्छी लूट मिलती है ट्रॉफीज़ के साथ में. सो यहाँ पे मैं अपनी क्वीन को छोड़ दिया हूँ क्वीन वॉक करने, और मैं यहाँ से राइट साइड से बेबी ड्रैगन छोड़ूंगा, ताकि जो हमारे जो क्वीन है वो थोड़ी सी लेफ्ट में ना जाए. तो बेसिकली हम ट्राई करेंगे कि जो ईगल आर्टिलरी जो है वो टेक डाउन करने का. और इधर एक बलून छोड़ देते हैं ताकि कैनन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, 1-2-3. ओके. सो कोई बात नहीं, हो जाए तो 3 वॉल ब्रेकर छोड़े. ओके, सो क्वीन अंदर जाएगी, ये भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. सो यहाँ पे अब हम लोग अपना वॉल ब्रेकर छोड़ देंगे, और हम बस एक ही चीज़ वेट करना होता है, जो कि है क्वीन. कैसे भी करके इस आर्मी में आपको कैसे भी करके ओपोनेंट की क्वीन लेना है, साथ ही साथ जो ईगल आर्टिलरी होती है वो भी लेना है. पर बदकिस्मती से हमारे साथ कुछ हो गए हैं सीन, और क्वीन पता नहीं कहाँ, क्वीन कहाँ जा रहे हो यार? क्वीन थोड़ा यहाँ पे नज़र डाल लो एक बार, नहीं तो भाई मतलब कि सीन हो गए, गलत सीन. तो इधर एक रेज डाल देंगे हम, ताकि बैकअप मिल पाए. और एक फ्री स्पेल जाएगा इलेक्ट्रो ड्रैगन के पास, और एक हीलिंग स्पेल. तो यहाँ पे एक हीलिंग स्पेल जा हो चुका है वेस्ट, और यहाँ पे अपना अटैक हो चुका है फेल 100%. तो इधर अपनी जो क्वीन है उसको कैसे भी करके सेव करना होगा. तो इधर एक हेड स्पेल जाता है साथ ही में, ले लेते हैं. ओके, सो सब कुछ सही आ रहा है, अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग. यहाँ पे हॉक्स ही अपने को स्पैम करने होंगे, तो हॉक स्पैम कर दिए हमने. और एक जाता है हीलिंग स्पेल, ताकि हमारे जो हॉक्स हैं वो बच पाएँ. और पता नहीं यार, मेरे को नहीं मालूम मैं कितना परसेंटेज गेन कर सकता हूँ. सो आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. तो यहाँ से वल्केरिस जो है वो वल्केरिस छोड़ देते हैं, और ओके, नॉट बैड. सो कुछ नहीं यार, मतलब कि थोड़ा सा फेल हो गया अटैक, पर कोई बात नहीं. हमको जो मेन मोटिव जो था हमारा डार्क एलिक्सर गेन करना, वो हमने डार्क एलिक्सर गेन कर ही दिया है. और साथ ही साथ जो एक प्रॉब्लम जो होती है रिंग बेसिस की, वो यही प्रॉब्लम होती है, मतलब कि लेफ्ट और राइट में दोनों साइड से फनलिंग करनी होती है अच्छे से.
बस वही जो मेन चीज़ जो मायने रखती है, तो लेफ्ट और राइट साइड में जो फनलिंग अच्छे से होनी चाहिए। सो ओके गाइस, हमको थोड़ा डिसेंट लूट मिल चुका है, लेकिन हमने टाउन हॉल जो है वो ब्रेक नहीं कर पाया। सो यहाँ पे हमारा साथी साथ हो चुका है जो इवेंट होता है हेड स्पेल वाला, वो मतलब कि मेरे 0 पॉइंट्स है गाइस, लिटरली बताऊँ तो मेरे 0 पॉइंट्स थे। और मतलब जो पिछले वाले जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो उसमें भी मतलब कि मेरे 0 पॉइंट्स थे, पर फिर भी मैं 36 नंबर पे था गाइस। मतलब कि देखो रहे भाई का स्वैग लेवल इतना आगे। तो ठीक है, हमारा जो पॉइंट्स है वो हो गए 700, और इसी के साथ जो मिशंस होते हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सो इसी के साथ हमको बुक ऑफ हीरो बहुत पास में ही है, 90 पॉइंट्स और चाहिए, तो 90 पॉइंट्स तो इस वाले में कवर हो जाएंगे। सो साथ ही साथ अपना जो किंग है जो 4 दिन 17 घंटे के बाद फ्री होगा, तो फ्री हो जाएगा। सो मतलब कि गाइस मैंने क्या कहा था, ये जो ऑटम का जो सीज़न होता है, जब भी देखो मैंने क्या बोला था गाइस वीडियो को स्टार्टिंग में, क्या बोला था, वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो ये प्रॉब्लम आनी ही होगी, जो आपने देखा था वाईफाई का सिग्नल। सो यहाँ पे मतलब कि मेरे को एक लॉजिक समझ में नहीं आया, जब यहाँ पे वाटरफॉल आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं हरी हरी है, क्यों हरे भाई है, इनको भी थोड़ा सा सफ़ेद होना, मतलब कि येल्लो होना चाहिए था, लेकिन नहीं यहाँ पे पानी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, इनका भी मैंने लॉजिक एक टाइम पे मैं मानता हूँ। लेकिन ये लॉजिक मेरे को नहीं समझ में आता, ये बेस हरा कैसे अपना, इसको भी थोड़ा येल्लो करना चाहिए था, थोड़ा येल्लोइश टाइप करना चाहिए था, तो भाई मतलब कि थोड़ा मज़ा आ जाता। भले ही मतलब कि गाइस मतलब कि आप देख सकते हो कि अपना जो ऐप का जो स्टोरेज होता है क्लैश ऑफ क्लैंस का, वो अभी आप देख सकते हो 181 MB का, लेकिन जो टोटल करोगे तो 776 या फिर उसके आसपास कुछ होगा। तो मतलब कि मेंटेनेंस ब्रेक के पहले या फिर मेंटेनेंस ब्रेक के बाद छोटा सा अपडेट आता है 10-11 MB का, तो उसी 10-11 MB के अपडेट में ये लोग कुछ ना कुछ नया चीज़ देते हैं या फिर नहीं देते। अगर नहीं देते तो समझ जाना कि मतलब कि बग वगैरह फिक्स हुआ है। अगर अपडेट आया है मेंटेनेंस ब्रेक के बाद, मतलब कि जो गाइस समझ जाना कि कुछ ना कुछ नया आने वाला है, या तो सुपर सेल अपने को रिवील नहीं करती है तो, या फिर करती है, अगर जबकि नहीं करती तो गाइस समझ जाना बहुत स्पेशल चीज़ होती है जो कि हमेशा आने वाली होती है। तो गाइस आप आई होप आप समझ गए होंगे कि मेंटेनेंस ब्रेक में क्या होता है। और ये जो ऑटम की जो थीम है यहाँ पे आया है, लेकिन पूरे बेस में कवर क्यों नहीं किया है, मेरे को ये लॉजिक नहीं समझ में आया यार। मतलब कि कोई है यहाँ पे ज्ञानी बैठा है तो भाई मुझे समझा दो, ठीक है। सो मतलब कि वो वीडियो इतनी अच्छी थी ना भाई, क्या ही बताऊँ, मतलब कि क्या ही मज़े आए थे। तो कोई बात नहीं यार, अब गाइस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, आपको पता ही है, तो एम करते हैं 10 लाइक एम का कर सकते हैं, ओके। सो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन दबाओ, उससे क्या होगा जब भी मैं लाइव स्ट्रीम या फिर वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले पता पड़ जाएगा। सो यस गाइस, आज की वीडियो का मतलब इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू क्लैश ऑन।